दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया और हमारा चैनल है पारस होम्योपैथी, जिसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जो कीच या टीनिया प्रूरिस। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों हमारा पहले भी फंगल इन्फेक्शन का वीडियो आ चुका है, लेकिन आज हम टोटली बात करेंगे टीनिया प्रूरिस या जो कीच। जो कीच दोस्तों अपने ग्रोइन एरिया या थाइज के जो अंदर का हिस्सा है वहां पर फंगल इन्फेक्शन का डेवलप होना ही टीनिया प्रूरिस या जो कीच उसको बोला जाता है। मैं उस वीडियो में भी आपको बता चुका हूं दोस्तों कि वहां जहां पर भी बॉडी के स्किन या फोल्ड्स के अंदर पसीना ज़्यादा आता हो और कंटिन्यू पसीना आने की वजह से वहां की स्किन की जो अपर लेयर है वो डैमेज होके जो नॉर्मल फंगस अपनी स्किन पे होती है वो अपनी स्किन को इन्फेक्ट करके जो सिम्टम्स डेवलप करते हैं या जो इरप्शन डेवलप होते हैं इसको फंगल इन्फेक्शन या जो कीच भी बोला जाता है। दोस्तों ये जो स्पेशल टाइप का इन्फेक्शन है ये कॉमनली मेल्स और फीमेल्स दोनों में मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये मेल्स के अंदर होता है। अब आप इसको किस तरीके से पहचाने कि आपको ये इस तरीके का इन्फेक्शन है कि नहीं है? दोस्तों ग्रोइन एरिया के अंदर अगर आपके छोटे छोटे दाने हल्के बल्कि छोटे छोटे इरप्शन या रेसेस होते हों उसका जो मार्जिन होता है बिल्कुल शार्प मार्जिन होता है, इसको आप अच्छी तरीके से एक लाइन के रूप में दे सकते हैं या गोल घेरे के रूप में सर्कुलर आपके रिंग्स भी बनती है। उसके साथ साथ में वहाँ पर अच्छी तेज खुजली आती है और हल्का हल्का प्रिकिंग सेंसेशन या वहाँ सुइयां जैसी सूखना, तेज जलन के साथ में इचिंग आना, इस तरीके के अगर लक्षण आपको मिल रहे हैं या फिर वहाँ पर हल्की हल्की थोड़ी सी स्केल्स भी बनना स्टार्ट हो जाती है या एरिया है वो रफ हो जाता है, तो दोस्तों उसको अपन कह सकते हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन है। अब ये फंगल इन्फेक्शन किस वजह से होता है? सबसे मोटा कारण रहता है आपके जहाँ पर ज़्यादा पसीना आता हो या फिर किसी भी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आने से, आपके टावल अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आप यूज़ कर लिया हो या आपके गारमेंट्स अगर किसी तरीके के आपने इस्तेमाल किए हों या बेडशीट या किसी भी तरीके के इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टेक्ट में आने से आपको ये हो सकता है। इसके साथ साथ में सबसे जो प्रोमिनेंट आज के समय के अंदर जो कारण है वो है वेस्टर्न टॉयलेट। दोस्तों वेस्टर्न टॉयलेट के ऊपर जो इन्फेक्टेड पर्सन बैठता है उसके बाद दूसरा अगर पर्सन उस टॉयलेट पे अगर यूज करता है तो उसके कॉन्टेक्ट में आने से भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपको फंगल इन्फेक्शन होने के। उसके साथ साथ में बहुत सारे आपके कारण इसके रहते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, आपकी इम्यूनिटी लो है, आपको पसीना ज़्यादा आता है, तो इस तरीके के या किसी भी वजह से पसीना अगर आपको आ रहा हो तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप सबसे खास बात है कि इसकी होम केयर या पर्सनल केयर कैसे करें, आपको प्रॉपर उस एरिया की आपको हाइजीन अच्छी तरीके से मेंटेन रखनी चाहिए, उस एरिया को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। पसीना आए तो आप फौरन अपने अंडरगारमेंट्स या उन क्लोथ्स को चेंज करें और उसके बाद में आप जो भी यूज करते हैं सोप डिटर्जेंट वाली उनको तुरंत आप बंद कर दें। उसके लिए माइल्ड से माइल्ड सोप आती है आपकी ग्लिसरीन सोप और जो बच्चों के अंदर जो सोप्स यूज करते हैं वो ही इस्तेमाल करें। दोस्तों लोकल एप्लीकेशन से ये समस्या सोल्व नहीं होती है, आप भुगत चुके होते हैं बार बार लोकल एप्लीकेशन के बाद भी ये दिक्कत एज इट इज बनी रहती है, तो आप लोकल एप्लीकेशन को का यूज नहीं करें। दोस्तों आप अगर उस एरिया के उस पार्ट के अंदर अगर ड्राइनेस है तो आप लोकल एप्लीकेशन के रूप में नारियल तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों अब बात करने चाहेंगे कि ये जो दिक्कत है किस तरीके से ठीक हो सकती है, या जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं एंटी फंगल ओरल मेडिसिन के रूप में या एंटी फंगल ऑइंटमेंट के रूप में यूज करते हैं तो दोस्तों उससे जो कंडीशन होती है वो दब जाती है, जिसको सप्रेस भी बोलते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है फंगस को आप लगाना उसको लोकल अपने किसी बंद करते हैं ये वापस बाहर आ जाती है। दोस्तों जो भी हमारे पास मरीज आते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है उनका कि सर इतना समय तक हम ट्रीटमेंट ले चुके हैं लेकिन ये दिक्कत ठीक नहीं हो रही है, तो क्या आप उसकी गारंटी लेते हैं? तो दोस्तों इस जो कॉमन क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों आपने जो ट्रीटमेंट फॉलो किया है या जितने समय तक आपने ट्रीटमेंट लिया है वो टोटली सप्रेशन बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो टोटल ही नेचुरल हीलिंग जिसको बोलते हैं उस तरीके से होता है। अब वो कैसे होता है? दोस्तों जो मेडिसिन हम सेलेक्ट करते हैं वो इंडिविजुअलाइज पर्सन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं, सिम्टम्स के बेस के ऊपर, उसकी अदर जो फीचर्स या सिम्टम्स हैं उसको इन्वॉल्व करते हुए, बॉडी की जो टेंडेंसी होती है उसको ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट की जाती है। वो जो रेमेडी आती है वो बॉडी में जब अपन जो यूज करते हैं बॉडी की इम्यूनिटी पावर, मैंने आपको कारण भी बताया है कि लो इम्यूनिटी पर्सन को ये ज्यादा होती है,
तो ये जो रेमेडी है या मेडिसिन है वो बॉडी में जाके आपकी लो इम्यूनिटी को वापिस रेज करता है, बढ़ाता है। वो इम्यूनिटी ही आपकी इस फंगल इन्फेक्शन से लड़ती है, उसको धीरे धीरे खत्म करती है। तो ये जो प्रोसीजर होता है वो नेचुरल प्रोसेस के तहत आपका फंगल इन्फेक्शन बिना किसी लोकल एप्लीकेशन के ठीक होता है दोस्तों। ये जो प्रोसीजर है इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आसानी से नेचुरल वे के थ्रू ये फंगल इन्फेक्शन इन दवाइयों के द्वारा ठीक होता है दोस्तों। अब बताने जा रहा हूँ क्या जो मेडिसिन है टॉप लीडिंग मेडिसिन इस फंगल इन्फेक्शन के लिए जो आती हैं। सबसे जो खास प्रोमिनेंट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस दोस्तों बहुत ही टॉप मेडिसिन या जिस गर्मी की वजह से जो दिक्कत होती है उसके अंदर आती है। यहाँ पर स्किन जो इरप्शन है उसके साथ साथ में अगर आपको चिपचिपा पानी जैसा अगर वहाँ डिस्चार्ज अगर देखने को मिल रहा हो, वो खुजली बहुत ज़्यादा अगर आ रही हो, उसके साथ साथ में अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो गर्मी के दौरान बढ़ रही हो और उस खुजली आने के बाद जैसे इचिंग करते हैं कि अगर बर्निंग हो रही हो, तो भी ग्रेफाइटिस का रोल बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है दोस्तों। सेकेंड जो मेडिसिन आती है वो आती है आपकी सल्फर। सल्फर का जो मरीज है उसके बहुत ही जो खुजली आती है दोस्तों, वो जलन के साथ खुजली आती है, उसका मरीज साफ सुथरा नहीं रहता है, उसके जो है वो नहाने की या ठंडी हवा से वो डरता है दोस्तों। इसकी जो सल्फर का जो मरीज है उसकी प्रॉब्लम है वो शाम के समय या जब सोते वक्त अगर सोने के टाइम जाता है तो वो स्थिति आपकी बढ़ जाती है। या जो मरीज लोकल एप्लीकेशन से अपनी कंडीशन को सप्रेस कर चुके होते हैं उनके लिए सल्फर बहुत ही अच्छी दवा के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में आती है साइलिसिया दोस्तों। साइलिसिया के मरीज के अंदर जो दिक्कत होती है उसके अंदर छोटे छोटे इरप्शन के साथ साथ के अंदर वहाँ पर फाउल यानी बहुत ही गंदी सी स्मेल अगर आपको मरीज के अंदर आ रही हो उसके साथ में, और जो प्रॉब्लम है पूरे डे टाइम उसकी बढ़ती है, साथ साथ में इम्यून में कुछ ज़्यादा होती हो, तो आप साइलिसिया को आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये जो कंप्लेंट्स होती है फरवरी मार्च के अंदर या गर्मियाँ जो स्टार्ट होती है उसके दौरान अगर होती है तो साइलिसिया बहुत ही अच्छा अच्छी दवा के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में जो दवा दोस्तों मेडिसिन आती है आपकी टेल्यूरियम। टेल्यूरियम की सबसे खास बात आती है इसकी जो पैचेज होते हैं बहुत ही बड़े पैचेज के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, और उसके जो रिंग्स होती हैं जो गोल घेरे बनते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बनते हैं, यानी जिसको इंटरसेक्टिंग रिंग्स बोल सकते हैं दोस्तों। इसकी जो खुजली आती है बहुत तेज खुजली, और वहाँ पर ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा हो, बार बार ऐसा सेंसेशन अगर देखने को मिल रहा हो, और खुजली से अगर आपको आराम नहीं मिल पा रहा हो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन आती है टेल्यूरियम दोस्तों। उसके बाद दवा आती है सीपिया। सीपिया की सबसे बड़ी खास बात ये रहती है दोस्तों, वहाँ का जो एरिया है बिल्कुल कच्चा रेडिश एरिया रहता है, और उसकी जो रिंग्स बनती हैं उनकी सबसे खास बात रहती है कि वो रिंग्स है अलग अलग रहती है, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करते हुए नहीं बनती हैं और आइसोलेटेड यानी अलग अलग रिंग्स वो बनती हैं, और इसकी खुजली भी काफ़ी पर्टिकुलर खुजली होती है, बहुत तेज खुजली आती है। खुजली कितनी भी की जाए लेकिन उस पर आराम अगर नहीं आता हो तो सीप या सबसे अच्छी दवा के रूप में मानी जाती है दोस्तों। ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है सब की सब मेडिसिन आप लोवेस्ट से लोवेस्ट पोटेंसी में यूज करने की कोशिश करें, और अगर आपका केस स्टैंड स्टिल बना हुआ है तो उसके लिए बेसिलिनम 200 के रोज जो है इंटरकरेंट मेडिसिन के रूप में आप इस्तेमाल करें, जरूर फायदा होगा दोस्तों। किसी भी तरीके की कोई क्योरी या क्वेश्चन हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाके या कमेंट्स बॉक्स में जाके हमारे से जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद दोस्तों।